सरदारपुर के गांव पदमपुरा में वसुंधरा हरियाली महोत्सव की शुरुआत ग्राम पदमपुरा में शनिवार को भव्य शोभा यात्रा के साथ वृक्ष मित्र मंडल के द्वारा भव्य शुभारंभ किया गया। अभियान के शुभारंभ में मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर श्री शेखर जी महाराज उज्जैन के सानिध्य में संपन्न हुई। जनता के द्वारा चलाए गए इस अभियान के शुभारंभ पर जनता की ही भागीदारी रही। अभियान में ना कोई नेता अफसर और ना ही कोई जनप्रतिनिधि अतिथि के तौर पर शामिल हुए। जो भी इस अभियान का हिस्सा बने वह मात्र एक पर्यावरण मित्र के तौर पर इसमें शामिल हुए। ग्राम पदमपुरा के निवासी वर्तमान उज्जैन में जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के पद पर पदस्थ मोहनलाल मारू के मार्गदर्शन में संचालित हो रहा है। इस युवा अफसर ने अपने पिता की स्मृति की चीर स्थायी बनाने के लिए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया था, जो एक महाअभियान का रूप ले चुका है। प्रतिदिन इस अभियान में एक न एक पर्यावरण प्रेमी जुटकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प ले रहा है। हमारे गांव के वरिष्ठ चौधरी श्री गणपतलाल जी चौधरी के बेटे द्वारा ये हरियाली महोत्सव मनाया जा रहा है और हमें बहुत खुशी है कि हमारे गांव में पहली बार ये हरियाली महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ किया जा रहा है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। 1100 पौधे लगाए जा रहे हैं। प्रियांशी मारो, ये चाह रहे हैं कि हम दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस मना रहे हैं, खुशी मनाते हैं, मिठाई खाते हैं, लेकिन प्रकृति के वृक्ष कट रहे हैं और हम मिठाई खा रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है। और हम लिए प्रकृति को हरा भरा करने के लिए, वृक्ष लगाने के लिए हम दीपावली रंगोली गांव में बनाई गई हैं। आप देख रहे हैं जिस तरीके का माहौल है, तो प्रकृति का अब उत्सव मनाने की हमें आवश्यकता है कि हम जैसे हमारे त्यौहार मनाते हैं उससे बढ़ चढ़ कर हम हर पृथ्वी को, धरती को हरा भरा करने के लिए महोत्सव के रूप में सभी आगे आए, उत्सव मनाएं। इससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ पाएंगे और इसीलिए धरती बहुत जल्दी हरा भरा हो जाएगी और पर्यावरण संरक्षण बढ़ा। आज हमारे गांव में हरियाली उत्सव मनाया जा रहा, जो गणपत लाल जी चौधरी हमारे गांव के मुखिया हैं, उनके स्मृति में 1100 पौधे लगा के यहां का मतलब एक हरियाली महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा गांव में। आगे ये प्लानिंग है कि इस गाँव में हर घर पर 2 पौधे लगाना हर व्यक्ति को, और आगे मतलब ये जो हर रोड से जितने भी रोड है इनके रोड के साइड में हर 50 फीट में पौधे लगाना है। ये प्लानिंग है आगे की हमारी गांव वाले की, और भी दूसरे गांव में भी आसपास के सभी गांव में इस प्लानिंग को हम लेके जा रहे हैं। आगे हर गांव में हम खुद जाके लोगों को उत्साहित करेंगे इस पौधे लगाने के। मुन्नालाल मारू, मैं उप सरपंच पदमपुरा।